नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटर आचार्य में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के बारे में। दोस्तों अमेरिकी सेनेटरों ने चीनी चिप निर्माता यांगेजी मेमोरी टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन YMTC से मेमोरी चिप्स खरीदने के एप्पल के फैसले का विरोध किया और इस खतरे की जाँच का आदेश दिया है कि यह सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। दोस्तों फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी निकल कर आई है कि एप्पल नए आईफोन 14 के लिए YMTC से मेमोरी चिप्स खरीदने पर विचार कर रहा था। विवादास्पद सौदे के बारे में जानकारी लेने वालों में सीनेट की खुफिया समिति के डेमोक्रेटिक अध्यक्ष मार्क वॉर्नर और रिपब्लिकन वाइस चेयर मार्को रूबियो थे। दोस्तों एक रिपोर्ट में कहा गया है कि YMTC का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अस्पष्ट संबंध है और यह नया सौदा, जिसे चिपमेकर ने कथित तौर पर आईफोन के साथ दलाली की है, वैश्विक डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर गोपनीयता और सुरक्षा का जोखिम है। दोस्तों एप्पल ने कथित तौर पर कहा कि वह YMTC से चीन में कुछ फोन्स की सोर्सिंग पर विचार कर रहा था। हालांकि एप्पल ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस के पत्र पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिस पर टेक्सास के रिपब्लिकन जॉन कॉनिन और डेमोक्रेटिक सीनेट के बहुमत के नेता चक शूमर द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए हुआवे और अन्य चीनी फर्मों में YMTC की संदिग्ध सहायता की समीक्षा करने के लिए भी कहा। फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार YMTC सहित कई चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियां वाशिंगटन में जांच के दायरे में आ गई हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।